जाति एवं जनजाति और सहकारिता मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधियों को जानकारी दी कि पढ़ाई त्वर द्वार कार्यक्रम का लाभ प्रदेश में 15,77,000 से ज्यादा स्कूली विद्यार्थी ले रहे हैं। 65,000 शिक्षक पढ़ाई करा रहे हैं। निजी विद्यालयों में बच्चों की फीस स्थगित की गई है। मध्यान्ह भोजन बंद करके उसके एवज में राशन दिया गया। लोकल कक्षाओं को प्रमोट किया गया। अशासकीय विद्यालयों से बच्चों को शुल्क लेने की कार्यवाही को स्थगित किया गया। बच्चों से जाने की शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। साथ ही अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को लॉकडाउन की अवधि का वेतन जारी रखने का निर्देश भी दिया गया है। कि मतलब पढ़ाई कई लोगों ने उसको अच्छा वो भी किए, प्रशंसा भी की कि बहुत अच्छा शुरुआत की उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने या शिक्षा विभाग ने अच्छा शुरुआत किया है। इसका सब तरफ अच्छी चर्चा इसकी है और इस प्रकार की काम जो शुरुआत हुआ है उसका स्वागत भी किया लोग कई लोग। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से सुरक्षित जिलों में झाबुआ जिला भी लगा